नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ट्राई के मींस ट्रायोड प्लस एसी के आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ट्राई के डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन के बारे में समझा, जहां हमने चार मोड के बारे में चर्चा किया था। उसी इसको एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए, उसी वर्किंग को ध्यान में रखते हुए बच्चों, हम यहाँ पे इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ भी करेंगे और साथ में समझेंगे। तो आइए कॉमन एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक ट्रैक है जिसमें दो टर्मिनल है, मेन टर्मिनल 1 MT1, मेन टर्मिनल 2 MT2, एज वेल एज कंट्रोल टर्मिनल जिसको हम बोलते हैं गेट टर्मिनल। तो बच्चों यहाँ MT1 और MT2 को जब हम गेट के रिस्पेक्ट में बायसिंग करते हैं, उसी के बाद हम यहाँ पे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा कोरिलेट करना चाहता हूँ आपके साथ। जो ट्रैक का वर्किंग प्रिंसिपल है वो हो सकता है SCR के वर्किंग प्रिंसिपल से थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन ट्रैक का जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समहाउ SCR के आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करता है। बस बेसिक डिफरेंस इतना है कि ट्रैक एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, तो उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो बोथ साइड होगी, बोथ डायरेक्शन में होंगी, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में होंगी। जबकि SCR एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, तो उसकी जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो कंडक्शन मोड में ही सिर्फ मुझे मिल रही थी, अदरवाइज जो फॉरवर्ड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड था उसमें डिफरेंट थी। तो आइए बच्चों, इसी को ध्यान में रखते हुए हम केस नंबर 1 लेते हैं, जहां पे मैंने मेन टर्मिनल 2 को पॉजिटिव रखा विद रिस्पेक्ट टू मेन टर्मिनल 1, मीन्स मेन टर्मिनल 1 पॉजिटिव लिया और मेन टर्मिनल 2 मैंने पॉजिटिव लिया और मेन टर्मिनल 1 को मैंने नेगेटिव ले लिया। अब बच्चों केस नंबर 1, यहां मैं जो गेट से बाइसिंग है, ट्रिगरिंग है, वो अगर अवॉइड करूं तो उस कंडीशन में स्टार्टिंग में स्मॉल वैल्यू ऑफ लीकेज करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे वो तो स्मॉल वैल्यू ऑफ लीकेज करंट है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जिसपे मेरा ट्रैक एक ब्रेक ओवर वोल्टेज को अचीव कर लेगा, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो ये मैंने केस 1 लिया, तो मैंने लिख दिया फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू 1 VB01। इस ब्रेक ओवर वोल्टेज पे अभी तक मैंने गेट से कोई भी सिग्नल नहीं दिया, मीन्स IG0 जो है उसकी वैल्यू 0 एम्पियर है। मेरा डिवाइस क्या होगा, ब्रेकडाउन मोड में जाएगा और टर्न ऑन हो जाएगा। टर्न ऑन होने के बाद से मैं एज इट इज वैसे ही जैसे SCR में हमने पढ़ा कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कंडक्शन के टाइम में स्मॉल वैल्यू अप मींस 1 से 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं गेट करंट से ट्रिगरिंग करना चाहता हूँ, कंट्रोल टर्मिनल से अपने डिवाइस को प्री टर्न ऑन करना चाहता हूँ, ब्रेक ओवर से पहले, ब्रेक डाउन कराने से पहले टर्न ऑन करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं गेट से करंट देना स्टार्ट करूंगा और ये IG करंट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। बच्चों जो IG0 था उसकी वैल्यू 0 थी, तो मैंने एक स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट IG1 लिया। इस IG1 वैल्यू ऑफ करंट पे मेरा डिवाइस VB0 से पहले यानी V1 वोल्टेज पे ही कंडक्शन मोड में जाने की कोशिश करेगा, ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में चला जाएगा और मेरा डिवाइस ब्रेकडाउन से पहले ही टर्न ऑन हो जाएगा। बच्चों अगर मैं गेट करंट की वैल्यू और बढ़ाऊं, IG1 से IG2 करूं, IG2 से IG3 करूं, उस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि मेरा डिवाइस उससे पहले यानी V1 से पहले कम वोल्टेज पे, फिर V2 से कम वोल्टेज पे मेरा डिवाइस टर्न ऑन होने लगेगा। यानी यहाँ जो V3 है वो लेस देन है V2 से और जो V2 है वो लेस देन V1 है, और सबसे जो बड़ा वोल्टेज है दैट इज VB01 जो कि ब्रेक ओवर वोल्टेज है। तो हमने यहाँ पे देखा, जब हमने MT2 को पॉजिटिव रखा तो उस कंडीशन में MT1 नेगेटिव होने के साथ साथ जब मैंने ब्रेक ओवर वोल्टेज अचीव करना है मुझे, तो मैंने गेट करंट की वैल्यू 0 कर दी और मैं अगर गेट करंट की वैल्यू अप्लाई करूं तो मेरा डिवाइस पहले टर्न ऑन हो रहा है, प्री टर्न ऑन हो रहा है, मीन्स मेरा डिवाइस सेफ मोड में है, इफेक्टिव मोड में है। अब बच्चों हम केस नंबर 2 लेते हैं, जहां केस नंबर 2 पे मैं MT2 को नेगेटिव कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू MT1, तो MT2 नेगेटिव हो गया, MT1 पॉजिटिव हो गया। सेम वैसा ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ होगा जो मैंने अभी राइट हैंड साइड में ड्रॉ किया है। स्टार्टिंग में मुझे लीकेज करंट की वैल्यू मिलेगी, ये लीकेज करंट की वैल्यू एक वोल्टेज तक मुझे मिलेगी जिसको बोलेंगे फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। अब यहाँ फॉरवर्ड की जगह पे अगर मैं साइन कन्वेंशन देखूं तो मैं रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज भी बोल सकता हूँ, माइनस का VB02। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस VB
जीरो टू की वैल्यू पे मैंने गेट करंट का वैल्यू जीरो दिया, मीन्स माइनस आईडी जीरो का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो एम्पियर होगा, तो मेरा डिवाइस ब्रेक ओवर वोल्टेज को अचीव करेगा और सेम एज इट इज पहले वाले कर्व की तरह ये कंडक्शन मोड में चला जाएगा और ये ब्रेक ओवर यानी कंडक्शन मोड में स्मॉल लीकेज फॉरवर्ड जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो मुझे मिलेगा। अब बच्चों यहाँ तीन मैंने करंट लिया IG1, IG2, IG3 जो कि नेगेटिव एक्सिस है, इसलिए मैंने माइनस IG1, माइनस IG2 और माइनस IG3 की वैल्यू ली। तो बच्चों जो IG1 की वैल्यू है वो ग्रेटर है IG2, जो IG3 की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि IG3 का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर है IG2 से और IG2 का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन IG1 से, सबसे छोटा IG0 था। अब बच्चों आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं गेट करंट की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ मेरा डिवाइस पहले ही कम वोल्टेज पे टर्न ऑन हो रहा है, तो ये जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रैक का बाय डायरेक्शनल होने की वजह से एक दूसरे के जैसा ही है, एक दूसरे के मिरर इमेज जैसा दिख रहा है। आइए बच्चों अब हम इस ट्रैक के एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। ट्रैक का वोल्टेज और करंट रेटिंग मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया था, उसकी वोल्टेज रेटिंग अप्रोक्सीमेटली 1200 वोल्ट और करंट रेटिंग लगभग में 300 एम्पियर है, यानी SCR के कंपैरेटिवली कम है। तो इसका एप्लीकेशन भी हम उसी हिसाब से करते हैं। जो पहला एप्लीकेशन है वो है रेसिडेंशियल लैंप, डीमर्स में हम यूज करते हैं, डीमिंग पर्पज से अगर मुझे यूज करना हो एज अ स्विच तो वहां पे मैं ट्रैक यूज करूंगा और बेनिफिट ये है बाय डायरेक्शनल है तो मैं डीम को बढ़ा भी सकता हूँ, डीमिंग कम भी कर सकता हूँ, डीमिंग को बढ़ा भी सकता हूँ, मीन्स बाय डायरेक्शनल में स्विच को ऑपरेट कर सकता हूँ जिससे मेरी जो लाइट की इल्यूमिनेशन है वो बढ़ भी जाएगी और घट भी जाएगी। सिमिलरली बच्चों हीट कंट्रोल में मैं यूज करूंगा जहां पे मैं बाय डायरेक्शनल मोड में कभी हीट बढ़ा भी सकता हूं और कभी हीट को घटा सकता हूं क्योंकि ट्रैक बाय डायरेक्शनल मोड में ऑपरेट होता है। और कुछ एप्लीकेशंस की बात करें बच्चों, स्पीड कंट्रोल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम यहां पे यूज करते हैं, पर्पस वही है बाय डायरेक्शनल ऑपरेशन है प्लस स्मूथ कंट्रोल है और वोल्टेज और करंट रेटिंग सेटिस्फाइडिंग है तो इसलिए हम इसमें यूज कर सकते हैं। एक कंस्ट्रेंट यहाँ पे आता है बच्चों की ट्रैक जो होता है वो ऐसे तो बाय डायरेक्शनल डिवाइस होता है लेकिन कभी कभी ट्रैक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस की तरह एज ए रेक्टिफायर डिवाइस की तरह काम करने लगता है जैसे SCR करता था। तो होप मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कंसेप्ट है IV कैरेक्टरिस्टिक्स का वो ट्रैक का बिजेटी से मिलता जुलता तो है पर बेसिक जो डिफरेंसेस है वो क्या है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।